नमस्कार, मोटिवेटेड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा भंडारी आज आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ आज के दिन से जुड़ी कुछ खास घटनाओं को लेकर। तो आइए देखें। आज के दिन दुनिया का पहला डिपार्टमेंटल स्टोर 1848 में खुला था। आज के दिन बहुचर्चित नाटककार और कवि ऑस्कर वाइल्ड जेल से 1892 में रिहा किए गए थे। ऑस्कर वाइल्ड उस शख्स का नाम है जिसने सारी दुनिया में अपने लेखन से हलचल मचा दी थी। शेक्सपियर के उपरांत सर्वाधिक चर्चित ऑस्कर वाइल्ड सिर्फ उपन्यासकार, कवि और नाटककार ही नहीं थे, अपितु वे एक संवेदनशील मानव थे। आज के दिन श्वेत महिलाओं को 1930 में दक्षिण अफ्रीका में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। आज के दिन इतिहास के पन्नों में एक काला अध्याय जोड़ने वाले नथुराम गोडसे का जन्म 1910 में हुआ था। उन्होंने 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में बिंदु रिक्त सीमा पर गांधी को 3 बार सीने में गोली मार दी थी। आज के दिन भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 1913 में हुआ था। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। आंध्र प्रदेश के कृषक परिवार में जन्मे नीलम संजीव रेड्डी की छवि कवि, अनुभवी राजनेता एवं कुशल प्रशासक के रूप में थी। आज के दिन रस्किन बॉन्ड का जन्म 1934 में हुआ था। वह अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखकों में से एक है। 1999 में भारत सरकार ने उन्हें साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदानों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया था। आज के दिन कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता गिरीश कर्नाड का जन्म 1938 में हुआ था। गिरीश कर्नाड भारत के जाने माने समकालीन लेखक, अभिनेता, फिल्म निर्देशक और नाटककार थे। कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा दोनों में इनकी लेखनी समानाधिकार से चलती थी। आज के दिन टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा का निधन 1904 में हुआ था। जमशेद जी टाटा भारत के महान उद्योगपति तथा विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। आज के दिन हिंदी के शीर्ष साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन 1979 में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। सन 1957 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।